जी चलिए, क्या लग रहा है सर, किसकी हवा लग रही है इस बार? मोदी मोदी सारा विश्व में जानती है, ये हवा नहीं आंधी है, मोदी लहर है। तो लोग सारा के सारा मोदी जी के नाम पे, मोदी जी भी तो वैसे हैं, माहौल तो पूरा एकदम लवली आनंद के पक्ष में है यहाँ पे। देखिए शिवहर का ये मेन रोड है और मेन रोड में फिलहाल कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या लग रहा है शिवहर का माहौल। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, अब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे क्या लग रहा है। लवली आनंद जीत रही है भारी बहुमत से, इस बार 4 लाख पार करेगा शिवहर, जीत का अंतर 4 लाख का होगा। लेकिन रितु जायसवाल भी लगातार प्रचार प्रसार। कौन रितु जायसवाल, इसको तो कोई जनता यहाँ का नहीं जान रहा है कौन है रितु जायसवाल। लवली आनंद यहाँ से, आनंद मोहन पहले भी यहाँ से शिवहर के सांसद रह चुके हैं, उनके बारे में सब जानता है, रितु जायसवाल के बारे में तो कोई नहीं जानता है। कहाँ से आ गए, हेलीकॉप्टर पकड़ के आई है कि एरोप्लेन से आई है, हम लोग को तो नहीं मालूम है। लेकिन वो तो कहती है वो तो सीतामढ़ी की बेटी है। होगी लेकिन हम लोग नहीं जानते, नहीं जानते हैं। क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है माहौल? तो मोदी जी के नाम पर है, लवली आनंद जी तो एकमात्र प्रत्याशी हैं, लेकिन लोग मोदी जी को देख रहा है, पूरा देश और दुनिया देख रहा है। यहाँ तो एक ही बात है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, दूसरा तो कोई फैक्टर है ही नहीं। लेकिन कह रहे हैं लोग कि 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, समर्थक हो या एनडीए के नेता हो, भय है केवल उनका। किसी को भय नहीं है, कौन आपको कह दिया है कि 400 नहीं मिलेगा? क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो पूरा एकदम लवली आनंद के पक्ष में है यहाँ पे। लेकिन रितु जायसवाल भी घूम रही है, लग रहा है उनका हवा है। रितु घूमने के लिए तो लवली आनंद भी घूम रही है, लेकिन रितु जायसवाल से हर एक गांव के और हर एक पंचायत में और हर एक बूथ पे दौरा कर रही है लवली आनंद। लवली आनंद अपने टिकट फाइनल होने से पहले ही शिवहर ही नहीं, शिवहर के साथ साथ जितने भी छोटे विधानसभा है सारे विधानसभा में लगातार घूमने का प्रयास कर रही है और लोगों का डोर टू डोर कनेक्टिविटी है लवली आनंद का। हम लोग वै समाज से आते हैं, हम लोग भी उनको वोट कर रहे हैं, कहीं में वै समाज में कोई समाज का तो कहा जा रहा है बड़ा वोट बैंक रितु जायसवाल के जी नहीं, यह गलतफहमी है, रूमर है, प्रचार है, दुष्प्रचार कहिए इसको। जो है वै समाज आज भी मोदी जी के नाम पर एकजुट है, लवली आनंद समाज में 36 बिरादरी है, 56 बिरादरी है, ठीक है ना। लेकिन वैश्य समाज का मतलब एक पर्सनली कास्टिंग नहीं हो गया, ठीक है ना। तो लोग सारा के सारा मोदी जी के नाम पे, मोदी जी भी तो वैसे हैं, तो लोग ऊपर देख रहा है, हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है मोदी सरकार, उनको सब देख रहे हैं, उन्हीं के क्षेत्र में, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, जितना भी देश में जो नए नए चीज़ बन रहे हैं उन्हीं के तौर पर आगे बढ़ रही है, तो लोग उनको देख कर वोट कर रहे हैं। यहाँ पर पर्सनल लवली आनंद का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। चलिए क्या लग रहा है सर, किसकी हवा लग रही है इस बार शिवहर में? हवा नहीं आंधी है, मोदी मोदी सारा विश्व में जानती है, ये हवा नहीं आंधी है, लहर है, तूफान है, मोदी लहर है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 400 पार का जो नारा दे रहे जमानत जब्त हो जाएगी। हमको लग रहा है 400 पार नहीं सर, 400 पार जाएगा जी, 400 पार। और अभी आप किसी से पूछ रहे थे बस, संपूर्ण वैश्य समाज मोदी के साथ है, वैश्य हाँ। समाज का आन बान शान नरेंद्र मोदी विश्व के पहचान है, फिर भी वैश्य महा तब वैश्य महान है, तो एक्का दुक्का को आ जाएगा जब हम नकली वैश्य बन के, कहाँ के बेटी है, कहाँ के बहू है, और वो कहेगा जब हम वैश्य है, अरे हम लोग भामाशाह के औलाद है, भामाशाह पूरा देश को सुरक्षा दिया था, इसलिए हम लोग पूरा देश ही नहीं पूरे दुनिया का सुरक्षा देंगे, मोदी जी एक वैश्य का नेता है, हम लोग वैश्य का बेटा है। चलिए क्या लग रहा है सर? यहाँ मोदी मैं है ही, लेकिन आनंद मोहन जी का जो 5 वर्ष का संसदीय कार्यकाल रहा है, हमको लगता है कि बिहार में वह बिना कमीशन लिए काम करने वाले इकलौता नेता में गिने जाते हैं, और शिवहर के विकास के लिए वो तत्पर अगर नहीं रहे हैं तो उनका बेटा शिवहर से विधायक कैसे बना, शिवहर के ही वो कैसे हो गए, और शिवहर के लिए उन्होंने फिर संसद बनने के लिए प्रयास कैसे किया, शिवहर के लिए उन्होंने प्रयासरत लगभग 200 बरस से हैं और शिवहर में हैं, तभी तो वो शिवहर के लिए फिर आज उम्मीदवार बन के आए हैं। इसलिए लगता है कि यहाँ से कोई माने है नहीं, और जहाँ तक माने राजद के उम्मीदवार के बारे में है तो नरेंद्र मोदी का एक छोटा सिपाही उनको परिहार से खहेर दिया, तो जब परिहार से खहरा गए तो शिवहर एक कोई वहाँ से भी अव्वल लोग है, शिवहर भी अपना का शक्तिशाली लोग है,
वो यहाँ टिकने नहीं देगी और यहाँ से वो चले जाएंगे। वो अपना जो है सो अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, वो अपना बोरी बंधी बांधे, यहाँ मोदीमय है, पूरे शिवहर मोदी मोदी है। चलिए, क्या लग रहा है? हम पहले अपना परिचय आपको दें। हम रोहतास से बास करते हैं, राजा हरिश्चंद्र के कर्म भूमि में उनके जन्म पा करके राजा रामचंद्र की तपोभूमि, और मैं अभी जहाँ हूँ वो काराकाट लोकसभा आता है। सोन के दो तट होते हैं, दो पार, एक शाहबाद के नाम से जानी जाती है और एक मगध के नाम से जानी जाती है। मगध मोक्ष की जननी है, जगत है, धरती है, ज्ञान की धरती है, और मैं उन दोनों धरती के बीच के लोकसभा क्षेत्र के रहने के नाते हम सब सौभाग्यशाली हो जाते हैं शिवहर लोकसभा चुनाव में। और यहाँ के हम सब मतदाता को केवल प्रणाम करते हैं, ये सीता माता की नगरी में हम रोहतासवासी इस माता को प्रणाम करके धन्य हो जाते हैं। विशेष तो देखिए, साफ तौर से जनता ने क्या बताया है वो आपने सुना है, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे क्या आखिर इस बार शिवहर का मूड क्या है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।